हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुजय इन्फोटेक में। मैं सुजय और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पिक्स आर्ट फोटो एडिटिंग ऐप के थ्रू टिकटॉक वीडियो या वीगो वीडियो या जो भी सोशल मीडिया आज के वीडियोज हैं वो कैसे एक बेहतरीन इफ़ेक्ट के साथ आप एडिट कर सोशल मीडिया पर डाल करके फॉलोअर और लाइक बढ़ा सकते हैं, यही सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अब तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे दिख रही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। चलिए जानते हैं कि पिक्स आर्ट के माध्यम से वीडियो को कैसे एडिट करें। इस ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। पिक्स आर्ट है, आप देख सकते हैं। हमने जैसे ही ओपन किया तो सबसे पहला प्रॉब्लम इसमें आता है कि अगर आप इसमें बिना क्रेडिट दिए यानी कि बिना लॉगिन किए 3-4 बार से अधिक बार इसमें लॉगिन होंगे यानी कि यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको स्किप का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद आप इसमें इंटर ही नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम से पहले छुटकारा पाने के लिए चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे इसे छुटकारा पा पाएंगे। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में और जाना होगा एप्लीकेशंस में। आप हमारी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जाएँ हम यहाँ एक बिना बताए क्लिक कर गए एप्लीकेशन में जाएँ। उसके बाद जाए एप्लीकेशन मैनेजर में। एप्लीकेशन मैनेजर में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना होगा और पिक्स आर्ट ऐप को ढूंढ लेना होगा। जैसा कि हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप देख सकते हैं ये वो ऐप है। तो इस पर क्लिक करना होगा आपको और स्टोरेज पर क्लिक करना होगा और यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट क्लियर डाटा का। तो सिंपल आपको क्लियर डाटा पर क्लिक कर इसे डिलीट कर देना होगा। उसके बाद फिर से जाना होगा बैक और अपना पिक्स आर्ट ऐप ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा लॉगिन होने के लिए, कुछ परमिशंस मांगे जाएंगे तो आपको अलाउ कर देनी होगी। तो चलिए हम प्रोसेस आगे की बताते हैं। फिलहाल ये लोडिंग ले रहा है, आप देख सकते हैं लोडिंग ले चुका है और यहाँ स्किप का भी ऑप्शन आ रहा है। तो सिंपल अभी आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर से 2-3 बार यूज़ करने के बाद वही प्रॉब्लम आपको इंटरफेस होगी। यहाँ पर आपको एक डुप्लीकेट ईमेल आईडी से लॉगिन होना है। डुप्लीकेट ईमेल आईडी यानी कि कोई सा भी ईमेल आईडी ले सकते हैं फेंक, आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें लिख करके @gmail.com लिख दें, उसके बाद काम चल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से कुछ भी ले लेते हैं @gmail.com। सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल फ़ोन की डेटा का कनेक्शन चाहिए तो हम इसे ऑन कर देते हैं फिलहाल और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। फिर आप देख सकते हैं फिर से हम इसमें इंटर करते हैं। @gmail.com सिंपल आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस तरीके से पासवर्ड के लिए भी आपको कुछ भी यहाँ से इंटर कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है इसके फीचर्स को केवल यूज करने के लिए। उसके बाद यहाँ से कंप्लीट हो गया और यहाँ से आपको सबसे पहले आपको अपनी फ़ोन की जो डेटा है उसे ऑफ़ कर लेनी है। तो चलिए हम इसे पहले ऑफ़ करते हैं, नहीं तो इसमें ऐड बहुत आता है। हमने ऑफ़ कर दिया, यहाँ से कुछ परमिशन मांगा जा रहा है तो हम इसे अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद आपके फ़ोन के वीडियोज यहाँ शो हो जाएंगे। तो चलिए हम एक वीडियोज़ को ले लेते हैं यहाँ से, इस वाली वीडियोज़ को। हाँ, आपको एक और बात बता दें कि जैसे ही आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे फेक आईडी से तो आपको यहाँ से जो स्टिकर होता है वो प्रो वर्जन वाली स्टिकर जिसे आप पेड करके ख़रीद सकते हैं, जिसे हम लोग गोल्ड स्टिकर कहते हैं, वो भी यहाँ से हट जाता है, जिससे आप आसानी पूर्वक अपनी वीडियो को एडिट कर पाते हैं। तो हम यहाँ से फिलहाल हम इस वीडियो को ले लेते हैं, 26 सेकंड का वीडियो है। हालाँकि यह पहले से टिकटॉक पर अपलोड था, हम इसी को ही आपको एडिट करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाता है जिससे आप बेहतरीन तरीके से एडिट कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करके क्रॉप कर सकते हैं। आप अपने इस वीडियो को रोटेट करके क्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से, जिस रेशियो में आप चाहे उस तरीके से इसके हम इसमें रोकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रिम का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने वीडियो को जिधर से चाहे उधर से इस तरीके से करके कट आउट कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ आपको बताने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम इसे कट आउट नहीं करेंगे,
उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है एडजस्ट का, जो कि सबसे बेहतरीन टूल्स हमको यहीं लगा इस ऐप में। तो जैसे ही आप इस एडजस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। हम थोड़ा इसकी आवाज़ बंद कर देते हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। और सिंपल आपको यहाँ पर बहुत सारा टूल्स मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसमें वीडियोज़ में अच्छे तरीके का इफेक्ट देख सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हम कितने अच्छे तरीके का इसमें इफेक्ट दे पा रहे हैं इस तरीके से। और भी यहाँ बहुत टूल्स है जिसका आप बारीकी से इस्तेमाल करके बहुत अच्छे तरीके का इफेक्ट दे पाएंगे। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से इफेक्ट दे पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसका यूज करके आप आसानी पूर्वक से इस वीडियो को जो कुछ भी इफ़ेक्ट देना चाहें बेहतरीन तरीके से वो आप यहां से इफ़ेक्ट दे सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, इस तरीके से आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा जो इफ़ेक्ट है वो इफेक्ट्स हैं। इस इफेक्ट्स के थ्रू आप अपने वीडियो को एक पॉपुलर तरीके की एडिटिंग कर पाएंगे। हालाँकि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की डेटा ऑन रखते हैं तो यहाँ से और बहुत सारे फीचर्स का यूज कर पाएंगे। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है इसमें स्टिकर का, अगर आप स्टिकर चाहें तो इसमें अपना खुद का स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए अपने फ़ोन की जो डेटा कनेक्शन है उसे ऑन करना होगा। ऊपर से अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई फ़ोटो ऐड करें तो वो भी कर सकते हैं। सेफ मार्क में अगर आप चाहते हैं इसे क्रॉप करना तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि जो फिक्स आर्ट अगर आप यूज़ करते होंगे तो जो भी एडिटिंग आप फ़ोटो में करते हैं सेम वही एडिटिंग आप एक वीडियो पर कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको एडिटिंग करने के बाद इस एरो पर क्लिक करना होगा और देख सकते हैं ये जो भी आपकी एडिटिंग होगी वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप एक बेहतरीन वीडियो एडिट कर सकते हैं टिकटॉक के लिए, वीगो वीडियो के लिए या लाइक वीडियो के लिए। आप इसमें केवल टिकटॉक वीडियोज ही नहीं अन्य प्रकार के वीडियोज भी एडिट कर सकते हैं, फिल्म वगैरह कास्ट वगैरह या यूट्यूब के वीडियो। तो कुछ यही तरीका था जिसके माध्यम से आप पिक्स आर्ट में भी वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं, हमने आपको बताया। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।